हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे फिजिक्स की इस वीडियो सेशन में हमारा जो टॉपिक है कार्बन रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस वी से रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? हाउ रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, हाउ रेजिस्टेंस विल डिक्रीज? रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन विच पैरामीटर्स? Effect of temperature on resistance. This all about of resistance we know and we will already discuss in our last video lectures. कि resistance क्या है, उसका use क्या है, वो सब हमने देखा। अब आज हमको study करना है carbon resistance. Carbon आप देखते हो कि कहाँ से मिलेगा, जो कोयला होता है उसका जो पाउडर होता है उसमें से हम जो रेजिस्टर बनाते हैं, रेजिस्टेंस बनाते हैं, इट्स अ कार्बन रेजिस्टेंस। अब हम कार्बन रेजिस्टेंस क्यों यूज करते हैं? तो उसकी जो प्रोडक्शन है या उसकी जो मेकिंग जो मेथड है तो वो हमको इजीली प्रोवाइडेड है मार्केट में, और वो इतना कॉस्टली नहीं है, बहुत सस्ते में हमको मिलता है, और इसीलिए हम कार्बन रेजिस्टेंस यूज करते हैं। इजीली वी प्रोवाइड इन मार्केट, उसकी जो बनाने की मेथड है कार्बन में से बहुत ही इजी और सस्ते में बनता है, तो हमको भी बहुत कम प्राइस में मार्केट में मिलता है। कहां पे हम इसको यूज करते हैं? तो वी से मेनी मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वी यूज इन कार्बन रेजिस्टेंस। रेजिस्टर का यूज क्या है कि वो करंट को पास होने से रोकेगा। तो जहां पे करंट ज्यादा पास होता है वहां पे हम क्या लगा देते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टर लगाने से, रेजिस्टर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टिविटी, तो वो करंट को क्या करेगा? रोकेगा, कम करेगा। तो करंट कम होगा तो हमारी जो डिवाइस है वो इजीली हम उसको यूज कर सकते हैं। तो रेजिस्टर यूज इन मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, रेडियो, टेलीविजन मोस्टली। ओके, मेरे पास है, बहुत छोटा सा होता है। कैसा होता है कार्बन रेजिस्टर? तो ये जो कार्बन रेजिस्टर्स है वो आप यहां पे देखिएगा, ऐसे ये यहां से ये पूरा इसको ऐसे कार्बन में से बना होता है। ये ऐसा पूरा कार्बन में से बना होता है। ओके, और इसके दो एंड में यहां पे ये ऐसे प्लेट लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे प्लेट लगे होते हैं। ओके, तो एक कार्बन रेजिस्टर है, इसमें से एक कंडक्टर और इसमें से एक कंडक्टर, इन दोनों कंडक्टर को हम ऐसे निकाल के ऐसे और दोनों कंडक्टर को ऐसे, जब हम इसको डिवाइस में कनेक्ट करेंगे तो करंट फ्लो इन दिस रेजिस्टर। ओके, ऐसे। अब एक इतना बड़ा होगा, नहीं ये तो मैंने बहुत बड़ा बनाया, वो आपने जो मैथ्स की देखी है इतना पतला सा होता है, इतना छोटा सा होता है, मैथ्स की जितना पतला सा और एक सेंटीमीटर जितना होगा, कितना होगा? एक सेंटीमीटर जितना, बहुत छोटा सा होता है। जैसे ऐसे में करूंगा तो मेरे हाथ में ऐसे 15-20 रेजिस्टर आ जाए, उससे भी ज्यादा है। ओके, तो बहुत छोटी सी डिवाइस होती है और बहुत यूजफुल डिवाइस है। क्या यूज मैंने आपको बताया? वो करंट को फ्लो होने से रोकेगा। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे घर में बहुत ज्यादा करंट फ्लो होता है तो डिवाइस जो है उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाती है। ओके, तो ये उसको रोकता है। अब ये जो रेजिस्टर है कार्बन में से क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो सस्ते में मिलता है। ओके, अब ये जो रेजिस्टर है उसमें यहां पे एक ऐसे एक रिंग होता है, जैसे यहाँ पे दूसरा रिंग होता है, यहाँ पे तीसरा रिंग होता है और एक रिंग यहाँ पे होता है, कभी होता है और नहीं होता है।
यहाँ पे एक रिंग, दूसरी रिंग और तीसरी रिंग, यहाँ पे कभी कभी रिंग होती भी है, कभी कभी नहीं भी होती है। अब ये जो रेजिस्टर है, वो रेजिस्टर मैंने आपको बताया कि हम कार्बन में से बनाते हैं, उसकी साइज इतनी होती है, उसमें 1, 2, 3 और 4 ऐसे रिंग होते हैं। ये जो 4 नंबर का रिंग है वो कभी कभी रेजिस्टर में आपको दिखेगा, कभी कभी नहीं भी दिखेगा। ओके, तो अब इस रेजिस्टर को हम यूज करते हैं तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होती है। जितना हमको, जितने ओम का हमको चाहिए उतने ओम का हम उसको उसमें डिवाइस में यूज करते हैं। ओके, अब इसकी वैल्यू हम कैसे पता लगाएंगे, तो इसकी वैल्यू पता लगाने के लिए हमारे पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए नंबर है, यहाँ इसको हम कैसे अच्छे से स्टडी करेंगे, यहाँ पे नंबर, फिर ए भी नंबर है, जैसे ए भी एक नंबर है, यहां पे पावर है, पावर ऑर्डर और यहां पे है इंप्यूरिटी, उसको हम बोलेंगे टॉलरेंस, टॉलरेंस। मान लो कि यहां पर नंबर है 4, यहां पर नंबर है 2 और पावर किसको बोलते हैं, जो 10 के बेस पे होता है इसको, और टॉलरेंस क्या बोलते हैं, टॉलरेंस यू ऑलरेडी स्टडी इन स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 2, इसको आप बोलते थे एरर, क्या बोलते थे एरर। जैसे मैं एक रेजिस्टेंस लेके गया 25 ओम का, थोड़े दिन मैंने इसको यूज किया, उसके बाद वो मुझे वैल्यू दिखाता है 27 और कभी कभी 23 जितनी वैल्यू दिखा देता है। तो मैं क्या देख रहा हूं कि अब उसमें एरर आने लगा, क्या आने लगी एरर, 25 का था तो 27 बताता है और कभी कभी 23 बताता है। मैं उसको लेके जो जिस शॉप से लाया था वो शॉप कीपर के पास गया, मैंने बताया कि भाई ये जो रेजिस्टेंस है वो एरर दिखा रहा है, उसमें एरर आ रही है। तो उन्होंने बोला आप कितने में लेके गए थे, मैंने बोला 10 रुपये में लेके गया, तो बोलेगा कि सर तो ऐसा ही आएगा। मैंने बोला क्यों भाई, तो उसने बोला कि इसमें टॉलरेंस जो है वो प्लस और माइनस 10%, प्लस और माइनस 10%, तो इतना ज्यादा आपको एरर दिखाएगा। टॉलरेंस का मतलब समझ रहे हो, एरर। मैंने बोला कि एक कम चाहिए मुझे एरर, मुझे कोई अच्छी वाला दे, तो उसने मुझे दूसरा रेजिस्टेंस दिया 25 ओम वाला, और उसमें जो टॉलरेंस थी वो प्लस और माइनस 5%, प्लस और माइनस 5%, प्लस और माइनस 5%, तो 25 का था तो कभी कभी 24, कभी कभी 26 दिखाता है, पर वैल्यू अच्छा दिखाता है। ओके, अब ये जो लास्ट रिंग होती है वो या तो गोल्ड होती है या तो सिल्वर होती है। अब आप समझ गए होंगे कि सिल्वर कैसा और इसमें गोल्ड कैसी होगी, तो गोल्ड होगी, प्राइस ज्यादा है तो टॉलरेंस कम आएगा, एरर कम आएगी। सिल्वर प्राइस कम है तो एरर ज्यादा है। ओके, तो एक हुई टॉलरेंस की बात, अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, और इसमें ये जो बैंड होते हैं, रिंग होती है, ये रिंग क्यों होती है, अगर हम इसमें डायरेक्टली वैल्यू नहीं लिख सकते। जैसे मैं मार्केट में गया, मैंने बोला मुझे 320 ओम का रेजिस्टेंस है या 32 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, तो वो मुझे ऐसे देख के लिखा हुआ है प्रिंटेड मुझे दे देगा, ऐसा नहीं होता। तो ऐसा हो सकता है, पर देखिए क्या होगा, जैसे उस रेजिस्टेंस पे लिखा है एस, पढ़िए तो जरा इसको, ये क्या लिखा है क्या लिखा है, तो आप बोलोगे कि सर ये तो नहीं पता चलता, तो एक चाइनीज में लिखा है। अब आप बोलोगे सर आपको चाइनीज कैसे आए, तो मुझे नहीं आती, मैंने तो ऐसे लिखा है, तो ये चाइनीज में लिखा होता है, लिखा हुआ होता है, कभी कभी कोरियन में लिखा हुआ होता है, क्योंकि रजिस्टर बनता कहां पे है, चाइनीज में, जाता कहां पे है,
160 कंट्री में, अब सबको इंग्लिश भी नहीं आती, तो इसके लिए हमने क्या किया कि कोई एक कंट्री में बनता है पर वो लैंग्वेज अगर सबको समझ में नहीं आती है तो हमने उसके लिए कोडिंग यूज किया। कोडिंग यूज की मतलब उसमें कलर रिंग यूज करते हैं और इसको यहाँ पे ऐसे समझते हैं। तो अब इसको इस वैल्यू को हम कैसे समझेंगे और इसको इस फॉर्म में कैसे समझेंगे, अब इसमें क्या रखना है, इसकी जो वैल्यू होती है वो हम टू सिग्निफिकेंट नंबर तक पढ़ चल समझ सकते हैं। जैसे 250 है तो उसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हुए, 2 और 5 दो। अगर 256 है, do not read this number, उसको only two significant number में study कर सकते हैं, okay? तो यहाँ पे देखना है इसको अच्छे से समझना कि हम इसको two significant number में कैसे read कर। यहाँ पे देखिएगा, एक table हमने यहाँ पे बनाया है, अब इसको कैसे study कर लेंगे, कैसे नोट करेंगे। तो मान लो कि आपको ये जो resistance आप market में से लेके आए और उसपे आपको कलर दिए ऑरेंज, ब्लैक, ब्राउन और गोल्ड, ऐसे चार कलर दिए हैं, तो उस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। तो पहले देखिए ऑरेंज, ऑरेंज में देखिए कितना नंबर है, 3। कितने नंबर है, 3। तो ऑरेंज में ये 3 नंबर, फिर ब्लैक, यहां पे भी नंबर है, यहां पे भी नंबर है, तो नंबर देखिए ब्लैक का नंबर क्या है, 0, तो ए 0। फिर क्या है ब्राउन, ब्राउन के सामने पावर कितना है, मल्टीप्लाई पावर, ओके कितना है, 10^3, तो यहां पे कितना है 1, ब्राउन में 10^1, तो मल्टीप्लाई 10^1। गोल्ड, तो गोल्ड में कितनी टॉलरेंस है, +/-5%, ये हो गया 10^1 है, ओके +/-5%, समझ में आएगा, ओके। फिर से यहां पे देखिएगा, यहां पे बनाते हैं, देखिएगा ऑरेंज, ब्लू, रेड, ओके ऑरेंज, तो पहले नंबर लिखना है, तो ऑरेंज में नंबर कितना है, 3। ब्लू, ब्लू में नंबर कितना है, 6। फिर थर्ड में क्या है, ऑर्डर, तो थर्ड लाइन में ऑरेंज, ऑर्डर देखना है, रेड में ऑरेंज कितना है, 10^2, तो (10^2), ओके। नो कलर, अब यहां पे कलर नहीं है, तो नो कलर मतलब कितनी इंप्योरिटी, +/-20%, 36 × 10^2। अगर यहां पे हम ऐसे करते हैं, इसको 10^3 करना है तो क्या करेंगे, 3.6 × 10^3, ओके। और 10^3 इसको आप क्या बोल सकते हो, किलो ओम बता सकते हो, ओके। तो यहां पे ये आपको याद रखना है, तो इट्स इंपॉर्टेंट, इसमें जो फिर से ऑरेंज ब्लू यहां पे कर दीजिए येलो और यहां पे है गोल्ड, चलो इसको बनाइएगा। सबसे पहले ऑरेंज, उसमें क्या देखना है, नंबर, तो ऑरेंज का नंबर क्या है, 3, ये ऑरेंज का नंबर लिखा 3। फिर ब्लू, ब्लू में भी नंबर लिखना है कितना, 6, तो ये 6। फिर येलो, येलो पे पावर देखना है, ऑर्डर 10^4 +/- गोल्ड 5%, इसको ऐसे लिख सकते हैं 360 × 10^3 मतलब किलो ओम, तो 360 किलो ओम, ओके ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी आपको वैल्यू दिया है और उसको आप किसमें कन्वर्ट करोगे, कलर में कन्वर्ट करेंगे, जैसे आपको दिया है
5.6 इंटू 10^3 ऐसे देता है। तो इस पे कौन से कलर होंगे, 5 ग्रीन, 5 ग्रीन, 6 ब्लू, ओके। पर यहां पे देखिए तीसरा कलर तो पावर का होता है, तो इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए। इसमें करोगे कन्वर्ट, इसको कन्वर्ट कीजिए 5.5/6 × 10^3, पर तीसरा कलर नहीं होना चाहिए। तो 5.5/6, 6 को आप यहां से निकाल लीजिए तो 5.5 होगा। मैंने क्या बोला, वी राइट ओनली 2 सिग्निफिकेंट नंबर, ओके। तो इसको निकालना पड़ेगा, तो यहां पे पावर एक इंक्रीज कर देंगे, जैसे आपको समझने के लिए हमने यहां पे 0 कर दिया। अब 5.5 इस 0 को निकालने के लिए क्या कर देंगे, 10^4, तो 5.5 ग्रीन ग्रीन 10^4 मींस कौन सा, येलो, ओके। समझ रहे हो आप, इसको अच्छे से समझना। अब इसको याद रखने के लिए हमने एक सेंटेंस बनाया, क्या सेंटेंस बनाया, तो जैसे आप केमिस्ट्री में बनाते हो बीबी नॉट इज अ गुड ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। देखिए बी, फिर भी यहां पे भी आर ओ वाई, बीबी वाई इज गुड ब्रिटेन, यहां पे जी ब्रिटेन ब्री हैज वेरी गुड वी, यहां पे जी और वाई, ओके। तो ये सिर्फ याद रखने के लिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही आप याद कीजिए, आप कोई नया सेंटेंस भी बना के लिख सकते हो। तो बीबी रॉय इज अ गुड ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, तो ए याद रखने से आपको ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो, यहाँ पे एक ग्रीन, यहाँ पे ब्लू वायलेट ग्रे और व्हाइट, ऐसे कलर की सीरीज याद रह सकती है। फिर से आपको अगर चार कलर दिए है तो नंबर नंबर पावर और एक टॉलरेंस, ओके। और इसको किलो ओम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो वो आपको देखना है, क्योंकि हम इसमें कितने सिग्निफिकेंस नंबर स्टडी कर सकते हैं, वी कैन स्टडी ओनली 2 सिग्निफिकेंस नंबर, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट कार्बन रेजिस्टेंस।